अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कुछ लोग हाजिर हैं खबरें TV.net पे। अब आपको जो अवामी मसाइल होते हैं उसके ऊपर जो है वो बात किया करेंगे हम, और हमारे साथ कोई मेहमान भी मौजूद हुआ करेंगे। आज एक मेहमान हैं नवाज शौकी साहब, ये हमारे साथ मौजूद हैं, और लेकिन जो आप लोगों की कॉल्स होंगी ना जी, वो भी हम सुनेंगे, ताकि जो लोग वहाँ पे बैठे हैं और कुर्सियों पे, हुकूमत की कुर्सियों पे बैठे हैं, उन तक भी आपकी आवाज़ पहुँचे और लोगों के आपस के मसले मसाइल भी डिस्कस होंगे। तो फिर ये आज हमारे जो मेहमान हैं, जिनका एक मसला है, स्कूल में गए थे, मरते मरते बचे हैं, अपने बालों की वजह से बच गए हैं मेरे ख्याल में थोड़ा सा, लेकिन जो चाबड़ इनको पढ़ने वाला था उस चाबड़ की कहानी क्या है थोड़ा सा सुन लेते हैं। बहुत शुक्रिया नवाज शौकी साहब, कैसे हैं? माशाल्लाह मैं ठीक हूँ। ये हुआ क्या है? होना क्या था, वो ही हुआ था जो नहीं होना था। वो ये हुआ कि मैं देखा उधर बच्चों के साथ वो जो है ना कर रहे हैं, बड़ी ज्यादा हो रही थी ना। अब उर्दू अगर नहीं बोल सकते तो क्यों तंगी में मुबतला है, तकलीफ में पढ़ने की जो जबान आपकी है, बात कर ले, लोग जानते हैं। बात जानते हैं जी, पूरी पूरी जानते हैं जी जी। फिर उधर वो क्या हने हो, SOP का भी कोई ख्याल नहीं, पार्किंग का भी कोई ख्याल नहीं, गंदे पकौड़े का भी कोई ख्याल नहीं। ओ बार मुर्गिया वाली बाबा जी उन्हें लाई सी तार जाई जैसे देखा एक बार हमारे बासर, आपने हमको बाबा नहीं बोलना है। अच्छा, ये हमने हैट पहनना है, ऐनक लगा के बैठे, हम नौजवान आदमी हैं। अच्छा मैं, और आप मेरी आवाज सुनकर हमको बाबा बनाने की कोशिश, देखें हमको बाबा और मामू मत बनाइएगा, ये हम इन दोनों चीजों से चिढ़ है। ओ जी मैं तो तुम्हें मुजज पे समझना चाहते, तुम मजा लिया गला करो ना, बाबा कहना भी कोई गुनाह नहीं ना। जैसे बाबा माइंड कर जाएंगे, बाबा माइंड कर जाएंगे मेरा बाबा। अच्छा अच्छा, फिर वो ये हुआ था कि जनाब वो मेरे पे हमला हो गया था, ये के ना स्कूल ना किता है तुसा? नहीं वो तो आपने बताना है, वो बताए ना जी कौन सा स्कूल था, मुझे हमें तो नहीं पता, ये तो हमें तो बताया गया जी एक मेहमान है। हाँ संता बीएम स्कूल है बाबा जी, G4 विच। मैं फिर बाबा कैसा सही, बाबा असाने पासे बहुत अदराम वाला आप, ये मैं सही इतराम आप काटिएगा, ये जो प्रोड्यूसर हाँ इसको काटिएगा। क्यों काटिएगा जी? ये बाबा काटिएगा। अच्छा हम इतराम के साथ बड़े को आपके बातें तो होते रहेंगे। सरादा ले पासे अबे नो वो अजी कहने कहने बाबा कहने असानी जबान फरजांगा ले पासे अजी कहने, तो इधर जेड़ा केड़ा मसला बनी गया। मेरे दिमाग की लस्सी ही बना दी है, हालांकि सर्दियों में लस्सी पीना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप ऐसे पता नहीं कौन सी हमको घुमन घेरियों में डाल रखे। एक कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहे हैं जी? भाई मैं राणा इल्मू बोल रहे, आप पारे थे? राणा इल्मू आप पारे से जी, फरमाइए क्या कहेंगे भाई? कहेंगे क्या, बड़ी मुश्किल से आपका नंबर मिला भाई। आप क्या हुआ क्या है भाई? आप आए कोई चंद दिन पहले मेरे पास, आप सिरी पाए खा के गए। कहाँ पे भाई? आपने मेरा 1250 रुपए बने वो एक टका नहीं मैनू दिया है। कब सिरे पाए खाए, क्या बात कर रहे हैं, हम तो सिरे पाए खाते ही नहीं है। आपने गलत नंबर मिलाया, ये खोचल। अच्छा, लोग का नंबर है प्रोग्राम का जी। भाई मैं थारे दफ्तर आया, मैनू गार्ड ने बताया भी आज लाइव प्रोग्राम हो रहा है सिरी पाए खाने वालों का, थारे गार्ड की फरूक की मेहरबानी, उसने मैनू नंबर दिया, मैंने डायरेक्ट बुला लिया। इब सिरी पाए जोन सा बंदा खावा उसमें एक तस्वीर तो आ जा। देखिए एक शख्स यहाँ पे पहले ही हमारे दिमाग को चाट चाट के सयोंक लगा रहा है, आप क्यों हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं? बोलो भाईजान, बोलो कुछ दसो। राणा इल्मू की बात तो सुन ले मन। अबे आप राणा इल्मू है या ला इल्मू है, इससे हमें क्या लेना देना, आप हमें क्यों पकार रहे हैं? बात सुने हम मजो साहब, उसको उनको बोलने दे, जरा उनकी बात सुनने दे। भाई मनु 1250 का नहीं है, मनु दुख इस बात का, एक तो खाका मुकर रहे थम, यो जोन से ना सिरी पाए, इसकी तासीर ही ऐसी है, जो खावा झूठ बोला, बेशक नवाज शरीफ हो या थाम हो, इब झूठ बोल रहे खाका 1250 रुपए। अबे राले आपसे देखिए, ये हम बड़े हाथ छोटे आदमी हैं, ऐसी बातें हमसे मत कीजिए, ये आप हम पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं। उनको बोलने दीजिए, उनको बोले भाई आप चुप करें जी, आप मेहमान हैं, आप क्या हमको बात कर रहे थे, ये प्रोग्राम हमारा है, आप चुप करें जी, आप क्या
नाम है जो सब बात कुछ बता रहे हैं ना ना हमने कभी जिंदगी में सरे पाए सिरे तो क्या पाए भी नहीं खाए हम तो सर का एहतराम ही बहुत करते हैं जौन सा और पाए जो है मेरी बात सुन लो जौन सा हाँ, कह रहा मैं राणा साहब आप गलत नंबर पे नंबर ठीक है जी नंबर ठीक है सही जगह पाया यो जौन सा बंदा था गेल बोल रहे ना यो भी गेल था सिरी पाए खाने में कल जब हम गए वहाँ श्री वहाँ आप पारा वहाँ जब चिकड़ छोले वहाँ खा रहे मेरे शरीका पादे तो मनु तो आग लग गई मनु साढ़े बारह सौ की नहीं है मनु दुख इस बात का ये जौन सा टैक्सी स्टैंड का इंचार्ज अबे राने देखे बात सुनिए हम बात सुने मेरे देखे इस तरह मत कीजिए ये आप हम पे बोहतान लगा रहे हैं ये झूठ है हम क्यों खाएंगे सरे पाए और 1250 आप देखें हम इतने पैसे तो हम फकीर को वैसे टिप में दे देते हैं आप क्या बात करते हैं ये आपने हम पे इल्जाम लगाया जान बोले बोले आप बोले कुछ बताएं आप चुप करें आप चुप करें आप क्यों बोले जी बोले मेरी बात सुने मैं बिल्कुल पहचान गया आपकी आवाज से मुझे लग रहा है आपको पता नहीं कौन से पंजाब के इलाके से बात कर रहे हैं यही है जो ही एनक पाई थी ओ बाबा मनु 1250 के नहीं आया मेरे शरीका पादे जाकर चिकड़ छोले खाए इतना मनु दुख हो रहा और यो जोन सा था ने साथ अपने मेहमान बिठाया अब राणा पता नहीं कौन सा राणा है तो हमें पहले तो यही समझाइए था तो हर बंदा राणा बना बैठा है बात तो होगी भाई राणा इलम दीन नु नहीं जानते ना हम नहीं जानते किसे इलम ला इलम को आप क्या बात कर रहे हैं आप चिकड़ छोले पे आ गए हैं पहले आप सिरी पाए पे आए हैं चिकड़ छोले तो था निकाय मारे शरीका बात ना हम शरीका वरीका नहीं जानते हमको भूख लगी थी हम खा के आ गए हम वहां से अब आप अजीब बात कर रहे हैं आपका हाँ, आपकी तो हमने दुकान ही नहीं देखी है भाई मेरी बात सुने मैं आपका हूँ फैन ना फैन हो या बेफैन हो देखो जितने फैन है तो उधर छत पे लटक रही है ना 1250 का नहीं मनु प्रॉब्लम है किस चीज का प्रॉब्लम है 1250 तो हम फकीरा नु खा दे इतना तो हम सिरी पाए ना तो आपका मसला क्या है अब हम हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल कर दिया है और आप पहले ही प्रोग्राम में भाई मैं लाइव का मेरा तो नेट भी लग रहा है नीचे खड़ा था गेट पर मैं कॉल कर रहा हूँ बात तो सुन लो मेरी अच्छा चलो सुना दी लेकिन इल्जाम नहीं लगाइएगा ये सिरे पाए देखिए हम आपका सिरे पाए के ऊपर लानत भेजते हैं भाई सच्ची बताओ सच्ची मेरी बात सुन ले हाँ लानत ना भेजे मैं फ्री भेज दिया करूंगा अल्लाह ये सारे सिरी पाए अब देखिए छोले भी फ्री भेज ना लानत ना भेजे ये ज्यादती जो है आप कर रहे हैं भाई मेरे मैं तेरा फैन हूँ मेरी बात तो सुन ले मेरी बात तो सुन ले नवाज शरीफ की बात आप करे वो खाता है सिरी पाए मैं नहीं खाता आपको मेरी आवाज से लगता है मैं सिरी पाए खाता हूँ मैं यकीन मानो भाई अब आप मेरा सर खा रहे हैं ऊपर से मैंने हैट पहनना हुआ है आप हमारे सिरी पाए खा गए हम आपका सिर नहीं खा सकते हैं आप हमारे पाए भी खा गए मेरी बात तो सुन ले यो क्या था मसाइल सुनांगे लोग का गए जिस जो तो एक मसाइल जिसका 1250 खा का था हम बात नहीं सुन रहे बात तो सुन लो बात हम आपके क्या सुना पहले बात तो ये है कि आप 1250 कहे जा रहे हैं और देखिए हम जोट नहीं बोलते हैं आप चेक करवा ले आपने आप देखें ये हमारा प्रोग्राम मुअज्जज लोगों के लिए है आप जैसे लोगों के लिए नहीं है कि आप जो है उधार किसी और से लेना है और आप मेरे मुंह पे थोप रहे हैं जब हम कह रहे हैं अच्छा मुझे आपके सिरी पाए खाए हैं तो मुझे बता दिए कि वो जो कोला था जिसमें मुझे आपने डाल के दिए थे वो स्टील का था या मट्टी का था और मैंने कितने नान खाए थे अब बताइए जरा 3 नान आपने खाए और जो जौन से ये साथ आपके बैठा चिड़ी पलवान 4 नान यो खा गया ये तो मेरे साथ था ही नहीं यही तो था इसी तो मैंने पहचाना अबे दे उतर का है मैंने उसे अबे लवास फराडी ये क्या किया है तुमने मेरे नाम पे सिरी पाए खा के नाम मेरा लिखवा दिया है पहले बात तो यह है कि उस दिन जब हमने वो शोरबा शोरबा अगर खाया भी होगा तो हम तो नान खाते ही नहीं है मैं तो चपाती खाता हूँ मेरी बात सुनो ये बंदा कसूरवार है निकला है ये बंदा कसूरवार है भाई मेरी और पहले ही प्रोग्राम में मेरे बाप ने क्या नाम है नवाज काल कटवाओ जी नवाज मशूकी काल कटवाओ जी बिजुर्ग क्या कर रहे हैं काल नहीं काटेंगे कटाओ जी पीछे कौन आंखों कटो मेरी बात सुन लो
खत्म होनी पई कॉल जी। अच्छा ठीक है, क्या बात करते है, इल्जाम लगाए जा रहे, झूठा इल्जाम सच्चा कर ले। मैं बड़े तैयारी के साथ आया हूँ, मुझे पाँव में डाल दिया। मैं मिलना जावे बंदा ख्याल करो। अच्छा कार कटाओ जी। अबे ले आज नवाज मशोके तब तने इतने किसने बोला था वहां पे जाकर मारा ना माड़ा नाम लिखाओ तो तुसी ना ले उन्हें जी। मैं हूं एमए शरीफ प्यार ना भाई, मेरी बात कोचड़ लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरा फोन तो मेरी फोन कॉल भी है। मैं पीछे कौन है उस बंदे की कॉल कटे ना इसने। मेरी बात सुने, मैं अब लाइव कॉल है नहीं कट सकती है। देखे मेरी कामों की वाली मासी मोड़ इमनाबाद वाली ताई, मेरी बात पूरी सुन लो पूरे। अच्छा और सुनो कुछ कह रहे हैं वो, कुछ कह रहे हैं जी। सुनो श्री पाए फ्री, मेरी बात पूरी सुनो। अबे मैं बताया तेरे पायों पर लानत भेजो, मैं मुझे लानत भेजो, मैं गन्ना ही खाता हूं। मौजू साहब शरीफ आदमी नहीं, तो चुप कर जा बड़ा मुअज्जज आया मुझे करने वाला, हमको इज्जत करा दिया तने। कुछ कर लो जी, बात सुनो। सुनो भाईजान हुन गल सुन, ये राणा इल्मो कहां से बीच में आकर टपक गया। सुनो जौन सी जुकालियां वाली मम्मी पाड़े वाले वाले फूफो, अच्छा सबका नाम लिया जा रहा है। सुनो ना यार, देखो देखो वो सारे थानू पसंद करा ये व्यूअर। मेरी बात राणा साहब आप सीधा बोल रहे की अपने सिरे पाए के नाम पे अपने सारे रिश्तेदारों के नाम लेने हैं मेरे प्रोग्राम में, ताकि उन तक पहुँच जाए। अपनी को नाराजगी है उनके साथ और आप जो है मुझे रगड़ा दिए जा रहे हैं। साहब बड़ी मतलब नहीं गल पे कर रहे, फ्री दिया कर। सुनो श्री पाए चिकन नवाज ठोकी आपने माफ की, तो मैं हथौड़ी के साथ वो मरम्मत करूंगा। नहीं, नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, सुनाए सुनाए भाईजान कुछ बोल दे पे। सिर्फ खोचर लोगों से गुजारिश ये करूंगा, आप प्रोग्राम के मेजबान है, ये जॉन साहब साथ गुलूकार बिठाया ना इसने गुलूकार हमारे नाम के ऊपर वहाँ पे जाकर आपकी दुकान पे सिर पाए खाकर हमारा नाम गलते सुन दो ना, फ्री वाली बात में एग्रीमेंट कर दो जी। इसके साथ स्कूल में ठीक हुआ है, इसके ठुकाई हुई है। ठुकाई तो इसने की है भाई स्कूल वालों की, इसकी ठुकाई ठीक हुई है। नहीं नहीं स्कूल वालों की ठुकाई हुई है। और अब खबरदार नवाज मशूकी, अगर तुमने जाकर वहाँ पे हमारा नाम लिया तो इल्मो साहब हम बेबाक करो जी, और ऐसा बेबाक करेंगे आप याद रखेंगे। धमकी दे रहे या पैसे दे रहे मनु, ये ना मैं धमकी समझा कर ले, क्या करना तुमने जी। पहले फ्री चला गल तो सुनो ना, क्या कर लेगा तेरे राणा का अपने घर होगा, हम भी इधर खोचल हैं। सफेद पोश साहब असल आवाम की गल करनी सी, हमारे पीछे भी चाचे फूफे मामिया बहुत पड़े हैं। ओ जी मैं फ्री वाला तक टॉपिक सुन दो, अबे लानत भेज दे रहे फ्री वाले पे, तू क्या बात कर रहा है। तुझे रोटियां खाने के पड़े हैं, पहले बदनाम किया तुमने। मनु लग रहा है मनु रिकवरी वास्ते बंदे लेना पड़ेगा, पर मेरी बात एक सुन ले। आखिरी बात सुनाए, मैं बंद कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम ना। गुलूकारी जो सब बैठे हैं, हाँ, फ्राडिया है। इसनु कहो भाई गुलूकारी फोक गुलूकारी करेगा, यो जो सा मेहदी हसन की गजला ताबला की वाजमा गावा ना, यकीन करो फिर मनु याद आ जाए भी मैंने सिरी पाए के पैसे नहीं छोड़ने, लेगा छोड़ने छोलो के दाल पे सिरी पाए समझ के खाए। ओ सर रीमिक्स करने आ जी भाई जी, ये देख रहे सुन रहे, ओ रीमिक्स करने आ, आजकल ट्रेंड चल रहा है वो, जिस तरह का देख देख पाकिस्तान, ये तो चने के दाल के अंदर सिरे पाए मिक्स करके पता नहीं क्या कुछ बना दिया है। अबे इल्मो साहब हम अगले प्रोग्राम में आपकी दोबारा कॉल लेंगे, भी हमारे पास टाइम नहीं है, वैसे भी हम थक गए हैं, और ये हम आपको बता देते हैं, ये आपका 1250 हमने दिल पे लिख लिया है, निकालूंगा मैं इसकी जेब से। हमने आपको दिल पे लिखा, और आपने हमेशा फ्री खाना। खबरें टीवी .net से खोचल लोगों को इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में नई काव के साथ फिर हाजिर होंगे।
ये बंदा नहीं होगा, कन्फर्म बात है। नहीं नहीं मैं उसा जी उसा इल्मू शिल्मू बाद में देखेंगे। उसा जी उसा खुदा हाफिज़।